हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपका इंतजार दोस्तों खत्म होता है, बिकॉज आज जो वीडियो लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि इस लेक्चर वीडियो का आप लोग का बहुत दिनों से इंतजार था, महीनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे। बिकॉज जब भी मैंने प्रीवियस वीक में भी लाइव लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 2 से 3 दिन में आपको बना देंगे। बट दोस्तों ट्रस्ट मी, मैंने पूरी कोशिश की आपको 2 से 3 दिन के अंदर वीडियो देने के लिए, बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज एंड मैं लगभग 3-4 दिन से आउट ऑफ सिटी भी हूं, तो नॉर्मली वीडियो को शूट करना एंड पब्लिश कर पाना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। आप समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट होता है एक यूट्यूबर के लिए ये सभी चीज को मैनेज करना, क्योंकि उसका खुद का एक पर्सनल काम भी होता है, फैमिलीज का भी काम होता है, साथ में आप लोगों को भी इतने सारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस बना के देने होते हैं दोस्तों, तो हर एक चीज को मैनेज करना दोस्तों आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट होता है। तो आज इस वीडियो की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसमें मैं आपको सबसे पहला आज का फर्स्ट एवर जेआर ट्यूटोरियल्स पे इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो देने वाला हूँ। इसमें मैंने ऑल स्टैंडर्ड को कवर करके रखा है, बिकॉज ये जो हमारा पहला लेक्चर वीडियो है उसमें मैं स्पेसिफिकली बात करूं एकदम 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, मतलब हर कोई स्टैंडर्ड का बच्चा जो है ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज मैं बताने वाला हूं। उसके बाद हम डिटेल में जब आगे जाएंगे तो हर एक स्टैंडर्ड के लिए भी अलग अलग बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज का जो लेक्चर वीडियो दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं, आज हमने पढ़ने वाला है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की अगर शुरुआत जो होती है दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होती है। एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने ये पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लिया तो आधा ग्रामर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही होता है उसका रूट, उसका बेस। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के लेक्चर में बात करने वाले पार्ट ऑफ स्पीच, कौन कौन से टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूं, सबसे पहला नॉर्मली मैं कुछ नाम जो है यहाँ पे गिना देता हूं, टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में। अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है नाउन, सेकेंड होता है प्रोनाउन, उसके बाद होता है आपका वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड होता है आपका इंटरजेक्शन। तो ये होते हैं टोटल 8 टाइप के आपके पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में, बारी बारी से आपको मैं थोड़ा सा उसका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसका मीनिंग क्या होता है ये बताऊंगा, एक दो एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम ध्यान से लास्ट तक जरूर से देखना, तो ये आपको ये जो बेसिक चीजें समझ में आ जाएगा। और आज ये जो आप बेसिक चीजें सीख लोगे तो आगे आने वाला जो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो रहेगा वो आप लोग को और आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात नाउन की, तो नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग अगर सोचोगे तो नाउन इज नथिंग बट अगर किसी भी चीज को मुझे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी चीज का नाम हो सकता है, वो किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, किसी भी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नाम हो सकता है, किसी भी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, तो ये जितने भी टाइप के नाम होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाउन। ठीक है, एनीथिंग जिसका हम लोग नाम को रिप्रेजेंट कर सके, नेम को रिप्रेजेंट कर सके, उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं आप लोग को टोटली क्लियर हो जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल होता है सबसे सिंपल एग्जाम्पल, जो कि हमेशा हम लोग एग्जाम में भी यूज करते हैं क्योंकि इजिली याद भी हो जाता है, राम इज ए बॉय। ठीक है, तो राम एक लड़का है, तो राम क्या होगा, ये एक नाम है। मैं क्या बता रहा हूं, एक लड़के का नाम बता रहा हूं कि राम एक लड़का है, तो ये मेरा जो राम वर्ड है ये मेरा नाउन हो गया। और भी बहुत सारे बोलोगे माय नेम इज राहुल, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, राहुल जो है ये क्या है, एक लड़के का नाम हो गया दोस्तों, तो यहां पे राहुल वर्ड इज नाउन। ठीक है, तो माय स्कूल नेम इज दिस, तो वो जो भी स्कूल नेम का नाम रहेगा वहां पे वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। तो सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल इन नाउन दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि नाउन क्या होता है, उसका एग्जांपल्स क्या होता है, ये आपको बेसिक लेवल पे तो समझ में आ गया, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ बेसिक लेवल पे बता रहा हूं कि हर एक बच्चा जो है, चाहे वो 5वीं 6वीं से लेकर 11वीं तक का बच्चा हो, तो उसको ये चीज जो है समझ में आ जाए। ये हो गया पहला चीज। सेकेंड चीज की अगर मैं बात करूं जो कि होता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नाउन क्या है, प्रोल हो गया, तो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन एक ऐसा चीज है जो नाउन की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं उसको। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया यहां पे कि राम इज ए बॉय, तो राम इज ए बॉय, तो मैंने बोला राम एक लड़का है, तो राम को मैंने नाउन दे दिया। लेकिन अगर मुझे प्रोनाउन अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ही इज ए बॉय, तो मैंने राम के जगह पे जो लड़के का नाम था उसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ही यूज किया। ही क्यों यूज किया, बिकॉज वो लड़का था। अगर वो लड़की होती, लेट सपोज मैंने नाम ले लिया सीता, तो सीता एक लड़की है, तो मैं क्या बोलूंगा, शी इज सीता, या फिर शी इज ए गर्ल, ऐसा अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो शी जो मैंने यूज किया, मैं ऐसा भी यूज कर सकता था सीता इज ए गर्ल, लेकिन मैंने सीता क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो नाउन है। लेकिन मुझे अगर प्रोनाउन यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, सीता के जगह पे शी यूज करूंगा, तो शी हो गया, वी हो गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों ये होते हैं प्रोनाउन। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो प्रोनाउन है वो भी समझ में आ रहेगा। अब अगर बात करें हम लोग तो वो होता है एक तीसरा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग का जो नाउन होता है उसका अगर कोई क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी नाउन का कुछ क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, कुछ विशेषताएं बता रहा है अगर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि राम इज ए क्लेवर बॉय, ठीक है, अगर मैंने बोला राम एक क्लेवर बॉय है तो राम तो मेरा नाउन हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला, क्लेवर बॉय, तो क्लेवर जो वर्ड है मैंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि राम एक चालाक लड़का है, तो क्लेवर जो वर्ड मैंने यूज किया है वो क्या है,
आपका एडजेक्टिव है, मतलब मैंने राम के कुछ विशेषताएं बताए, कुछ गुण बताए हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, नाम का कुछ विशेषता बता रहा हूं कि राम जो है आपका एक क्या है, बहुत क्लेवर बच्चा है, तो क्लेवर इज माय एडजेक्टिव। तो ऐसे ही कुछ हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं वो होता है हमारा एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूं कि आपको एडजेक्टिव भी समझ में आ रहेगा, आगे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज जस्ट एक बेसिक है तो आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा। अगला बात कर लेते हैं, ये तीन हो गया, हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि फोर्थ वन वर्ब। तो वर्ब का मतलब क्या होता है, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ड ऑलवेज डिफाइंस एक्शन। वर्ब जो होता है हमेशा एक एक्शन बताता है, लाइक राम इज रनिंग, ठीक है ना, राम दौड़ रहा है या फिर राम जो है भाग रहा है। तो ये जो वर्ड हुआ रनिंग, ये क्या हो गया मेरा वर्ब, मतलब क्योंकि वो कुछ एक्शन कर रहा है, ठीक है ना। राम इज राइटिंग, तो राइटिंग मतलब वो लिख रहा है, तो लिख रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या कर रहा है दोस्तों, वो एक्शन कर रहा है। तो ऐसे टाइप के जब कुछ सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं उसमें जो वर्ड होता है वो वर्ड एक एक्शन को अगर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, राम इज प्लेइंग, खेल रहा है, वो तो एक्शन कर रहा है। तो अगर कुछ भी ऐसे एक्शन वाले वर्ड अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेंटेंस में वो पर्टिकुलर वर्ड जो होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है, करेक्ट है दोस्तों। तो बेस्ट एग्जांपल, राम इज रनिंग, राम इज प्लेइंग, तो रनिंग और प्लेइंग इज ए टाइप ऑफ वर्ब। ओके ओके, अब यहां पे बात कर लेते हैं वर्ब के बाद जो आता है वो होता है एडवर्ब। तो जैसे मैंने आपको एडजेक्टिव बताया था, आपको याद होगा, जो कि नाउन की क्वालिटी बताता है, विशेषता बताता है, वैसे ही जो हमारा एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की क्वालिटी बताता है या फिर उसकी विशेषताएं बताता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था राम इज रनिंग, तो रनिंग मेरा वर्ब हो गया, लेकिन अगर मैं उसको ऐसा बोलूं कि राम इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, तो मेरा जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा। राम इज सिंगिंग सो प्लीजेंटली, ठीक है, मतलब बहुत सुंदरता से वो गाना गा रहा है, तो प्लीजेंटली जो हो गया वो हो गया मेरा एडवर्ब। तो अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ क्वालिटीज यहां पे बताते हैं वर्ब के बारे में, तो वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। उम्मीद करता हूं आपको एडवर्ब ये समझ में आ गया। और एक आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं एडवर्ब पहचानने का, ये तो मैं आगे बात करने ही वाला था लेकिन फिर भी आज आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको मोस्टली एडवर्ब पहचानना है तो 90% केसेस में क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसे एडवर्ब वाले सेंटेंसेस बनते हैं तो उसमें आपको अगर एडवर्ब को पहचानना है तो लास्ट में एल और वाई लगा रहता है, प्लीजेंटली, ठीक है ना, ऐसे टाइप के वर्ड जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, मेनली एडवर्ब होते हैं, करेक्ट है दोस्तों। तो आपको उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो चीजें हैं वो समझ में आ गया रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट जो है वो होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं, वो चीज क्या बताता है, कुछ चीजों के बारे में हम लोग को बताता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि माय पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है ना, तो ये जो ऑन जो वर्ड हो गया, अंडर द टेबल, अंदर, ऑन, ठीक है ना, ये सब जो चीज होता है कि ए बर्ड इज सैट अपॉन द ट्री, अपॉन, तो ऐसे टाइप के जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों वो होता है हमारा प्रीपोजिशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी चीज के बारे में, कुछ थिंग के बारे में अगर बता रहे कि ये वहां रखा हुआ है, ये इधर है, ठीक है, तो वो जो चीजें होती है दोस्तों वो होता है आपका प्रीपोजिशन। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रीपोजिशन भी समझ में आएगा, क्योंकि आज मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, मुझे पता है क्योंकि आज का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सबसे पहला लेक्चर है, तो इसको मैं अगर आप मैं डायरेक्टली एकदम खुल के पूरा पूरा बता दूं तो आप लोग के ऊपर बाउंसर जाएगा वो, तो इसके लिए आप थोड़ा सा बेसिक चीज आज समझ लो, उसके बाद हम लोग वन बाय वन जो है डिटेल्ड में हर एक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं, आप लोग बस कोऑपरेट ऐसे ही करते रहिएगा। तो हमारा बात हो गया प्रीपोजिशन। नेक्स्ट की बात करें सेवेंथ जो है वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का जो कि होता है दो सेंटेंसेस या फिर दो नाउन को अगर जो चीज जोड़ता है साथ में उसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। तो बेस्ट तरीका याद दिलाने का, जैसे कि अगर मैं बताऊं दो नाउन, तो राम एंड भरत प्लेइंग क्रिकेट, तो राम एंड भरत वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो राम एंड भरत क्या है, दो नाउन है, उसको मैं जोड़ रहा हूं, तो जो चीज से मैं जोड़ूंगा जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, ऐसे टाइप के जो वर्ड होते हैं दोस्तों उसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं, करेक्ट है दोस्तों। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले, ठीक है, तो ऐसे टाइप के वर्ड को कंजंक्शन बोलते हैं, करेक्ट है। एंड लास्ट जो है आपका इंटरजेक्शन दोस्तों, जो कि हमारा आठवां पार्ट ऑफ स्पीच है और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या बताता है, ये एक ऐसा इमोशंस बताता है, जैसे कि आपके पास कुछ इमोशंस है तो ऐसे वर्ड्स कुछ होते हैं अरे ओह, ठीक है ना, ऐसे टाइप के हुर्रे, ऐसे टाइप के वर्ड होते हैं कॉन्ग्रेट्स, तो हम लोग जब अपना एक्सक्लेमेटरी मात, आपको पता होगा एक्सक्लेमेशन हम बताते, तो ऐसे टाइप के कुछ वर्ड जो होते हैं जो आपके इमोशंस को जाहिर करते हैं, बाहर दिखाते हैं, ऐसे टाइप के वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल हुर्रे वी वन द मैच, तो हम लोग बोलते हैं कि हुर्रे हम जीत गए मैच, तो हुर्रे क्या बता रहे हैं, मेरा इमोशंस को जाहिर कर रहा है, ठीक है ना, कॉन्ग्रेट्स हम लोग बोलते हैं किसी को। तो ऐसे टाइप के वर्ड जो होते हैं दोस्तों वो क्या होता है, आपका इंटरजेक्शन होता है। एंड दोस्तों हमारा जो है आठ पार्ट ऑफ स्पीच था ये होता है यहाँ पे टोटली खत्म। एंड मैंने आज जो बताया आपको दैट इज नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये आपको जस्ट मैंने एक बेसिक लेवल पे बताया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक
पांचवी का भी बच्चा है, यहाँ पे एक छठवी का भी बच्चा है, सातवीं का भी, आठवीं का है, हर एक स्टैंडर्ड का बच्चा है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से बताऊंगा तो वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बच्चे को ही समझेगा। इसके लिए मैंने आज एक कंबाइन लेक्चर लिया है, इसी में मैंने आपको, क्योंकि इंग्लिश का डिमांड हर किसी को है, तो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा चीज होता है, चाहे वो आप आठवीं का स्टूडेंट है चाहे वो दसवीं का स्टूडेंट है, लगभग सिमिलर ही होता है, क्योंकि नाउन सातवीं में भी वही होता है और दसवीं में भी नाउन का मतलब वही होता है। इसके लिए आज यहाँ पे मैंने एक कंबाइन लेक्चर और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर बनाया, जिसमें मैंने आठ जो मेन पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो कि एक सबसे पहला बेसिक लेक्चर था हमारा, तो मैंने आप लोग को एक ही साथ बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आज जो मेरा मेहनत करके मैंने आप लोग के लेकर आया हूं इंग्लिश का लेक्चर वीडियो, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूस डिमांड कर रहे थे, तो आप लोग के डिमांड हमेशा मैं सराखों पर रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आप लोग भी कितना बेसब्री से हमारे लेक्चर का इंतजार करते हैं, और हम भी उसी तरीके से बेसब्री का इंतजार करते हैं कि आप लोग हमारे लेक्चर्स को इतना प्यार दो दोस्तों, एंड आप लोग इतना प्यार देते हो दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो आज दोस्तों यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन पार्ट ऑफ स्पीच, टोटल आठ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि हमारा जो मेहनत है और आज का जो लेक्चर वीडियो है आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय अपनी सजेशन जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।